मैं हूँ समायरा और आप देख रहे हैं हॉट पॉट, जहाँ मैं बताऊंगी खाने के बारे में, ट्रैवल के बारे में, ब्यूटी के बारे में और बहुत कुछ। लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हो गया, सब घर पे था, जॉब गया, सब गया, बेटे का जॉब गया। और मेरा एक ही मकसद है, उन लोगों की हेल्प करना जिनका हुआ है कोरोना में नुकसान। लॉकडाउन गिरा था, वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स बिकॉज़ ऑफ दिस लॉकडाउन, ऑब्वियसली सबको पता है, बहुत सारे लोग ने जॉब चले गए। तो क्या करना है, क्या करना है, सब सोच रहे थे। तो उसी टाइम पे आई हैड दिस आइडिया एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट। बड़े शर्मा जी का सपोर्ट था उसमें, सपोर्टेड अ लॉट एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड। आई एम वर्किंग एज अ यूएसआईटी रिक्रूटर। आई रेगुलरली कम हियर टू दिस प्लेस बिकॉज द चाय इज वेरी हाइजीनिक एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड एंड द वे ही ट्रीट द पीपल इज ऑल्सो सुपर। यहाँ पे बहुत बार देखा है, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? ये स्टार्ट हुए जब से तंदूरी टी कैसा रहता टेस्ट देखने के लिए आया। सो सबसे आई हैव बीन एडिक्टेड टू दिस, इट्स लाइक एडिक्शन एंड इट्स रियली गुड। डेली 3-4 टाइम्स विल कम हियर। जैसे मैंने बताया था शर्मा जी की चाय, सो वादे के अनुसार आज मैं आपको शर्मा जी की टी स्टॉल पे लाई हूँ। तो चलिए शर्मा जी से मिलते हैं। आइए मेरे साथ। हाय शर्मा जी। हाय। ये क्या है सबसे पहले? इसे कहते हैं तंदूर की भट्टी, ठीक है, जिसमें बेसिकली रोटीज प्रिपेयर करते हैं। बट अभी जो लेटेस्ट है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अभी चाय बना रहे हैं। इसमें चाय तो हम वहाँ पे बनाते हैं जिसमें हमारी ओन रेसिपीज होती है और स्पेशल मसाला हम यूज़ करते हैं टू गेट द टेस्ट फॉर द चाय एंड देन इसमें हम पोर करके उसको जो फ्लेवर लाते हैं, इट्स लाइक एडिक्शन। ये चाय आप वहाँ पे बनाते हैं, तो फिर ये तंदूरी चाय कैसे हुई? तंदूर में आप कोल डालते हैं, कोल के ऊपर हम तंदूर की रोटी बनाते हैं जो सेकते हैं, राइट? तब वो तंदूर की रोटी कहती है। सेम हम जब यहाँ पे चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद में हम इसमें जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, कोल के ऊपर ऑब्वियसली, एंड देन उसके अंदर जब हम चाय पोर करते हैं तो एक फ्लेवर आ जाता है कॉल्ड लाइक स्मोकी फ्लेवर। आप नॉर्मल चाय पियेंगे अलग टेस्ट होता है, व्हेन यू स्मोक लाइक व्हेन यू बर्न इट स्मोकी फ्लेवर जाता है, वो अलग टेस्ट होता है। अच्छा, तो ये फ्लेवर आता है उसमें, स्मोकी फ्लेवर आता है। सुने आपके चाय के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा आपके चाय के बारे में बोलते हैं। क्यों? अलग अलग फ्लेवर्स है ना आपके चाय? यस, हमारे पास वी हैव नॉर्मल तंदूरी चाय, अगेन वी हैव तंदूरी विद जिंजर, वी हैव तंदूरी विद इलायची एंड सिनेमन एंड ऑल्सो वी हैव अ कॉफी एज वेल जिस कॉल्ड तंदूरी कॉफी and we have bonvita with tandoori, bonvita with boost, and we have special tea called lemon grass tea, which is like very healthy kind of a tea. ये आता है with milk भी आता है, without milk भी आता है. With milk is like a flavor के लिए हम use करते हैं उसको, and then without milk means kind of a healthy chai जो body को detox करता है. यहाँ पे लोगों का response कैसा है? Pretty good actually. Initially मुझे भी struggle करना पड़ा जब मैंने start किया था तो थोड़ी तकलीफ हुई इनिशियली, 1 month और 2 month मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे जैसे लोगों को पता चला इसके बारे में, लोग अट्रैक्टेड हुए एंड देन दे स्टार्ट। वी हैव अ लॉट ऑफ रिपीटेड कस्टमर एक्चुअली इन दिस एरिया, फैमिलीज आते हैं कि दे लाइक द वे वी प्रिपेयर द चाय। तो अभी मैं आपको बताऊंगी चाय का प्रोसेस, जो मतलब तंदूरी चाय का प्रोसेस कैसे होता है। चाय रेडी हो गई है। यस, चाय इज रेडी नाउ। हाँ। अभी ये जो बेसिक चाय है, नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है जो तंदूरी बनता है। तो बेसिकली चाय होने के बाद में हम इसमें जो मटकी को हीट करते हैं। हाँ। हीट करने के बाद में विल क्लीन इट प्रॉपर्ली। हाँ, काफ़ी हीट होता है। हाँ। एंड देन वी क्लीन इट प्रॉपर्ली। हाँ। एंड देन वी पुट इट इन हियर एंड देन वी पोर द चाय इन द मटका। ओह, लाइक दिस। यस। रेडी है। यस, नाउ इट्स रेडी। ये बॉईल हो जाएगा, इट विल टेक ऑल द स्मोकी फ्लेवर फ्रॉम द मटका एंड देन सो दिस इज हाउ दिस इज अ तंदूरी चाय। यस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द ऑल प्रोसीजर। ये होता है तंदूरी चाय, जहाँ पे टोटली ये बॉईल होता है एंड देन ये फ्लेवर आ जाता है उसमें, सो दैट ये हमारी तंदूरी चाय बन गई। Simply pour it in the glasses, which is using through again. तो ये देख लीजिए शर्मा जी की तंदूरी चाय। So this is what the overall तंदूरी चाय का process.
एक्सक्यूज मी, दिस इज़ ऑल अबाउट तंदूरी चाय कैसे बनती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, बिकॉज आप जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें आप ग्लास होता है कुछ भी होता है, आप नोट चाय आप कुछ भी पियेंगे, इट्स वेरी हेल्दी फॉर इट, इट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, स्ट्रॉन्ग करता है, एंड देन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उससे। एंड ऑब्वियसली आई हैव डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चाय, एज आई सेड प्रीवियसली दैट जिंजर, इलायची, सिनेमन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव अ लेमन ग्रास टी, व्हिच इज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, व्हिच इज लाइक वो डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, एंड देन लाइक यू नो इंक्लूडिंग आवर बोन मीटास एंड बूस्ट, दैट टू तंदूरी में बनता है, एंड कॉफी भी बन जाती है उसमें। अच्छा, तंदूरी में कॉफी भी बनती है? कॉफी भी बन जाती है, बट इज लाइक वेरी वेरी, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट एक्चुअली, यस, तंदूरी कॉफी। सो ये भी अलग, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग टेस्ट होता है आपका, लाइक यू नो। हाँ, एक बात बता सकता हूँ, एक आप एक बार अगर आप पियेंगे तो नील भी हैबिचुएटेड है, आपको लाइक अट्रैक्टिव, लाइक आपको पता चलेगा कि लाइक या मुझे पीना है, मुझे वापस आना है। So a lot of people come here, I have a lot of repeated customers and mostly families so aate hain, as I said you, and then yeah, so this is all about tandoori chai, and even also as I told you that lemongrass, also we serve lemon teas, and basically ye to like off season, on season ho gaya jahan pe matlab mostly chai peete hain, but in off season like summer season mein we do have some juices as well, वो भी हम सर्व करते हैं, बट इन समर सीजन्स। हेल्थ को लेकर आप बहुत कॉन्शियस हैं? यस, सी नाउडेज एवरीवन नोज द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशंस। ऑब्वियसली सब लोग अभी हेल्थ के लिए बहुत ही केयर करते हैं, इवन आई टू, बिकॉज आई गो रेगुलर टू द जिम्स एंड आई डू रेगुलर वर्कआउट्स, एंड ये दिस थिंग्स अगेन इट्स वेरी हेल्दी, एज आई टोल्ड यू दैट यू नो व्हाट, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ यू गो लाइक प्रीवियस लाइफ जहाँ पे लोग मिट्टी में सब खाना बनाते थे, दोज पीपल वेर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, लाइक दे डोंट गेट कोल्ड, दे डोंट गेट अ फीवर समथिंग, बट नाउ डेज थोड़ा सा सर्दी हो गया, दे फील लाइक ओ वीकनेस, लो इम्यूनिटी, बट नाउ दिस बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई लाइक अपार्ट फ्रॉम माई हेल्थ आई थिंक अबाउट अदर पीपल्स हेल्थ, दैट इज वाई आई स्टार्ट दिस बेसिकली, एंड एवरीथिंग वट एवर आई सर्व इट्स ऑल हेल्दी एक्चुअली, इफ से दैट तंदूरी चाय और माई लेमन ग्रास टी और एनी थिंग विच इज लाइक काइंड ऑफ अ हेल्दी हेल्दी। तो आप इसको क्या कहते हो? ओके, सो बेसिकली इसे कुल्हड़ बोलते हैं, विच इज टोटली प्रिपेयर्ड विद क्ले, प्योर क्ले से बनता है ये, एंड दिस इज कम फ्रॉम यूपी एक्चुअली, ये यूपी से आता है, डायरेक्टली हम वहाँ से बल्क में ऑर्डर करते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज टोटली यूज एंड थ्रो, यू नो व्हाई वी चूज दिस तंदूरी चाय एंड मेड ऑफ क्लेज एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज सी अभी नाउ डेज पेपर कप्स एंड ऑल, पेपर कप्स ऑब्वियसली वो भी बिकॉज ऑफ ट्री कटिंग एंड ऑल उसके लिए होता है, एंड देन दिस इज लाइक टोटली हेल्दी एंड इको फ्रेंडली, आप इसको पियो एंड जस्ट ब्रेक इट ऑफ अगेन, ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगा एंड देन देयर इज नो हार्म फॉर द एनवायरनमेंट एज़ वेल, इसका भी बेनिफिट्स है। यस, एग्जैक्टली। तो ये मैं लेके जाऊं? श्योर, आप ले जा सकते हैं इसे। तो ये मेरा हो गया? आपका हो गया, आपका हो गया। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे शर्मा जी तो बिजी लग रहे हैं, तो चलो बड़े शर्मा जी से बात करते हैं। तो बड़े शर्मा जी बताइए, आपके कहाँ से है, यहाँ कैसे आए? कहाँ से? मैं तो हाँ जी महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी, महाराष्ट्र नांदेड़ जिला। अच्छा, यहाँ पर आके मेरे को 15 साल हो गए। तेलंगाना में आ गए। अच्छा, तभी से मैं बार में काम करता था। अच्छा, बार में काम करता? बार में मैनेजर था। अच्छा, करते करते या अभी रिटायर हो गया, मतलब बार बार में। हाँ। अभी यहाँ पर बेटे के आइडिया से मैं इसमें आ गया, घर में बैठ के क्या करना जी। ये एज में भी आप मतलब ये सब चीज़ें? हाँ, सुबह 5 बजे चालू करते हैं। अच्छा। तंदूरी चाय। हाँ। शाम को 10 बजे। 10 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे आते हैं। हाँ। अभी आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे क्या प्लान है, बड़ा करने का विचार चालू है। हाँ। इसे दूसरा आउटलेट एक आधा कुछ अच्छा करने का है। हाँ। अभी तो फिलहाल करने ये है, मंदी है, इसी को बड़ा करना है जी। सोच रहे हूँ, इसके पहले हम जॉब करते थे। हाँ। अभी दूसरों को जॉब देना चाहते हैं। वेरी गुड शर्मा जी। दूसरों को जॉब देना चाहते, 2-3 बच्चे कामगार बोले रखेंगे। हाँ। ऐसा कुछ प्लान है हमारा जी। तो आज हमने जान लिया तंदूरी चाय कैसे बनती है, तंदूरी चाय के बारे में। तो आप लोग ज़रूर आइए, इंजॉय कीजिए शर्मा जी की चाय। थैंक यू।